पहले वो कुछ और करे चाहिए। बचना नहीं चाहिए। किस ट्रेंड की शुरुआत की शाहरुख खान के फैंस ने? क्या ट्वीट करके शाहरुख खान के फैंस ने दिया उन्हें मैसेज? किस बात की अपडेट चाहिए शाहरुख खान के फैंस को फरहान अख्तर से? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज के एक और नई और चटपटी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले अपकमिंग मूवी डॉन 3 के बारे में। मैं हूं पूनम आपके साथ। डॉन 3 एक अपकमिंग हिंदी लैंग्वेज मूवी है जिसे डायरेक्ट फरहान अख्तर करने वाले हैं। फरहान अख्तर ने डॉन 2 के बाद किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं किया। अभी तक वो अब कुछ सालों से एक्टिंग पर ही फोकस कर रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, डॉन 2 और डॉन 1 शाहरुख खान के लीड रोल के लिए किए गए थे और फिर बॉक्स ऑफिस पर उन्हें बेहतरीन परफॉर्मेंस से कमाल दिखने के लिए रेडी भी है दोबारा से। डॉन फ्रेंचाइजी की थर्ड इंस्टॉलमेंट बहुत स्पेकुलेशन मचा रही है कई दिनों से, और फिल्म की कोई अपडेट ना मिलने से शाहरुख खान के फैंस अपसेट हो रहे हैं। शाहरुख खान के फॉलोअर्स ऑलरेडी उन्हें नेक्स्ट फिल्म के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। शाहरुख खान को हमने लास्ट आनंद एल रॉय के लास्ट फिल्म जीरो में देखा था, जो रिलीज हुई थी 2018 में, पर जीरो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। शाहरुख खान ने अभी तक किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की। अभी शाहरुख खान के फैंस ने ट्विटर पर एक ट्रेंड स्टार्ट किया है, वो है वी वॉन्ट डॉन 3 अपडेट, और अरफान खान से अपनी अपडेट्स के लिए डिमांड की है। द चेज बिगेंस अगेन इंडियन हिंदी लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसे डायरेक्टर फरहान अख्तर ने किया था और फिल्म को रिलीज 2006 में किया गया था। फिल्म में हमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, करीना कपूर, बोमन ईरानी, ईशा कोपिकर और ओमपुरी देखने को मिले थे। अब फिल्म में स्क्रीन प्ले दिया था जावेद अख्तर ने और फिल्म को बेहतरीन साउंड ट्रैक दिया था शंकर ईशान लॉय। डॉन फिल्म का बजट रखा गया था 35 करोड़ और फिल्म ने कलेक्शन किया था 106 करोड़। डॉन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही अनसुनी और इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीग्राड स्टूडियोज को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए करिएगा इंतजार और हमारी बाकी की सारी वीडियोस देखिए। मैं हूं पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है रुशाली ने।